नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम राखी सावंत इन दिनों अपनी निजी जिंदगी में आई उथल पुथल की वजह से काफी चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने हाल ही में अपने पति आदिल खान दुर्रानी पर सनसनीखेज दावे किए थे। इन आरोपों के बीच उन्होंने आदिल की कथित सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में भी खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि आदिल की तनु चंदेल नाम की एक गर्लफ्रेंड है जिन्होंने उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह करके रख दी है। इन आरोपों के बीच पहली बार एक्ट्रेस और मॉडल तनु चंदेल ने रिएक्ट किया है। तनु चंदेल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आदिल राखी विवाद पर रिएक्ट करते हुए कहा, राखी मैंने तुमको और तुम्हारे दोस्तों को पहले ही बताया है कि मैं तुम्हारे आदिल के साथ नहीं हूं। ये सब जानने के बाद भी मैं आदिल का साइड नहीं ले रही हूं। ये तुम्हारा और तुम्हारे पति का मैटर है, मुझे इसमें मत घसीटो। इससे पहले आदिल खान दुर्रानी की एक्स गर्लफ्रेंड रोशिला ने भी दोनों के मैटर में रिएक्ट किया था। उन्होंने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा था कि मुझे बीच में मत घसीटो, तंग आ गई हूँ। बता दें, रोशिला आदिल एक समय में रिलेशनशिप में थे, फिर आदिल का नाम तनु से जुड़ गया। इस बारे में खुद राखी ने ही दावा किया था। राखी सावंत ने तनु का नाम लेते हुए कहा था कि जब वो बिग बॉस मराठी में गई थी तो आदिल और तनु साथ में आए थे। उन्होंने आदिल की बॉडी पर लव बाइट्स भी देखे थे। तनु ने उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर दी है। खैर, वैसे तो पूरा भारत ही राखी और आदिल की इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी हमारी ऑडियंस को मैं एक क्विक सा रीकैप दे देती हूँ। जनवरी 2023 की शुरुआत में राखी ने प्रेमी आदिल खान दुर्रानी के साथ अपनी शादी की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि उनकी गुप्त शादी पिछले साल 2 जुलाई की हुई थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके साथ तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, आखिरकार मैं बहुत उत्साहित हूँ और शादी कर ली है। मेरा प्यार आपके लिए फॉरएवर अनकंडीशनल लव है। अब दोनों एक बदसूरत लड़ाई में शामिल हैं, जहाँ राखी ने उन पर किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने आदिल पर उनकी पिटाई करने का भी आरोप लगाया था जिस दिन उनकी माँ की मृत्यु हुई थी। आप भी इस मुद्दे पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़।